यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव हो रहा है और ब्रोमीन ऐड हो रहा है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप की जो पोजीशन थी वहाँ पे ब्रोमीन नहीं लगा है, ब्रोमीन किसी दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है। इसकी मैकेनिज्म हमें समझानी है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होगी। पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया। इसकी रिएक्शन आप एच बी आर से कराएंगे तो यहाँ पे हमारा जो एच बी आर होगा वो सबसे पहले इसका जो प्रोटॉन होगा वो अटैक करेगा इसके ऊपर, है ना। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा इस तरीके से लोन पे डोनेट करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा हाइड्रोजन और जो नया प्रोटॉन आया वो ये इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा कि ये देखिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लेके अपना और ये रिमूव हो जाएगा एज अ वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास में क्या बचने वाला है, ये बचेगा हमारे पास में CH3, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। अब देखा जाए तो ब्रोमीन को यहीं पे अटैक कर देना चाहिए था, नहीं, ब्रोमीन आके यहाँ पे अटैक करता और हमारे पास में जो मॉलिक्यूल बनता वो ये प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाता, यहाँ पे ब्रोमीन को आके जुड़ना चाहिए था एक्चुअली, है ना। लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे वो देखिए क्या है ना, तो प्रोडक्ट जो आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड है वो कुछ और है और एक्चुअल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे कुछ और दिख रहा है ना। ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है और ये एक्चुअल है, तो ऐसा क्या हो गया इसमें जिसकी वजह से हमको ये प्रोडक्ट मिल गया, है ना, ये प्रोडक्ट मिल गया। आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट बनना नहीं है। तो इस पे ज़रा ध्यान दिया जाए, इस कार्बो कटायन पे ज़रा ध्यान दिया जाए। ये क्या है, ये एक सेकेंडरी कार्बो कटायन है ना, ये एक सेकेंडरी कार्बो कटायन है। सेकेंडरी कार्बो कटायन यहाँ पे टर्शरी कार्बो कटायन में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे, अगर हमारा ये वाला जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन टर्शियरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा जो ज़्यादा स्टेबल होता है ना। तो फिर कैसे होगा ये काम, आइए इसको समझते हैं। इसको मैं ज़रा फिर से बना लेता हूँ। ये देखिए इसको मैंने फिर से बना लिया हुआ है ना। तो होगा क्या कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, और ये हाइड्राइड हमारा इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। ऐसा करने के बाद में हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये देखिए CH3, और यहाँ पे हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि जो हाइड्रोजन था वो हाइड्राइड के फॉर्म में इधर ट्रांसफर हो गया है, ये चीज़ है ना। अब देखिए यहाँ पे अब ब्रोमीन आके अटैक करेगा, ब्रोमीन आके अटैक करेगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हमको जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो क्या होगा, वो ये देखिए प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है CH3, और यहाँ पे हमारा ब्रोमीन और CH3। ठीक है, तो यही प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा था, है ना। आइए जरा कंपेयर कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में किस तरीके से, है ना। तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट, तो ब्रोमीन आप देख पा रहे हैं कौन से पोजीशन पे है, यहाँ भी ब्रोमीन उसी पोजीशन पे है। ओके,